अलवर जिले के राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चिंबारली गांव में हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन बनाराम मीणा रहे। मीणा का गांव में पहुंचते ही सैकड़ों ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया और नारेबाजी करते हुए मंदिर प्रांगण तक लेकर आए। वहीं अलवर जिले के नाइकपास गाँव में भी दंगल आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बनाराम मीणा ही थे। इस दौरान मीणा ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद व्यापारी तय करेंगे कि किसान क्या बोएंगे और कौन सा खाद बीज डालेंगे, लेकिन इससे फसलों पर मालिकाना हक निजी कंपनियों का रहेगा, क्योंकि किसान तो अपने ही खेत पर नौकर बनकर रह जाएंगे। इसलिए किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। व्यापार है जो कभी भी फटने वाला नहीं है और धीरे धीरे जब जमीनें किराए पे जाएंगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह होंगे। इंग्लैंड के लोग पहले व्यापार करने आए थे और व्यापार करने के नाम पे धीरे धीरे भारत देश में उन्होंने शासन स्थापित कर लिया। वही काम बीजेपी सरकार और मोदी सरकार करने जा रही है। ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपके पास जमीन नहीं होगी, खाने के लिए गेहूं नहीं होंगे, आप अपनी जमीन पे किराएदार मजदूर बन के रह जाओगे और जो व्यापारी कहेगा उसी कंपनी को और उसी पार्टी को आपको वोट करना पड़ेगा। देश की आजादी खत्म हो जाएगी, किसान की आजादी खत्म हो जाएगी। मेरे साथियों, पहले देश का इतना बड़ा आंदोलन है, 8 राज्यों के किसान 71 दिन आज आंदोलन को हो गए। इंग्लैंड की और अमेरिका की संसद में भारतीय किसान आंदोलन के बारे में चर्चा चल रही है, फिर भी मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा कानून है हमारे।